सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बॉय फ्रॉम हिल्स यू के 05। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आज है हमारा day 3। सो गाइज, मेरे सामने का व्यू है, हम लोग अभी बेदनी बुग्याल में हैं। जो सामने ये दिख रहा है, ये है चौखंबा पर्वत, और जो हल्का सा दिख रहा है ये है द्रोणागिरी, और ये है नंदा गुंटी पीक, और यह त्रिशूल पर्वत। और यहाँ पे हमें टेंट लगाए हैं हमने। जम गई है, अनिला फटाफट करो पैक। गुड मॉर्निंग, आराम से करेंगे, रुक, इतनी जल्दीबाजी क्यों करनी है? ठीक है, इसको जल्दी है, चलते रहो वो लोग। गाइस, धूप आ गई है और बड़े भाई लोग वहाँ पे धूप सेक रहे हैं। टेंट हमने धूप में डाल रखा है सूखने के लिए, पाले पड़ के सब बूरे गीले हो रखे हैं। अभी भी पाला ये घी सूखा नहीं है, उस साइड सूख गया, देखो घास उस साइड। वो सारा सामान पैक कर लिया हमने, सारा नहीं, कुछ बहुत बचा है। गोकुलदा और बॉबदा चले गए ऊपर को, और मैं भी पहन रहा हूँ, जूते सूख गए मेरे, पाले से पूरे गीले हो गए थे। सो गाइज, बाकी लोग तो चले गए, हम लोग बस 4 जने बचे हैं पीछे, और देख सकते हो मेरे कंधे पे कितना सामान है। कल मैं बता रहा था 12-13 किलो होगा, पर 12-13 किलो नहीं, ये 20-25 किलो से ऊपर है। और अभी हो गया आज का ट्रैक स्टार्ट। देखो आज ज़्यादा चलना नहीं है, और देख सकते हो अनिल के पास भी काफ़ी सामान है, सभी के पास है सामान ज़्यादा। सो गाइस, नीचे वाले एरिया से हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, अब थोड़ा सीधा सीधा रास्ता है, खड़ा नहीं है। काफ़ी देर से हमें पानी नहीं मिला है, पर एक चीज़ मिल गई है अभी, बर्फ जमी हुई। और ये देखो कैसे ऊपर से नीचे तक जुड़ी है, यहाँ पे भी है। इसको तोड़ के मैं बोतल में डाल लूँ, थोड़ी डाल लेंगे पहले। रुको रुको, आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं ना, आइस क्यूब टाइप के, शिवलिंग भी कह सकते हैं, ऊपर यहाँ से पानी टपक रहा है, ये टपका इसमें, और ये जमते जा रहा है ऊपर को। बाकी हमने पूरे जुड़े हुए भी दिखे थे। चलो डालो बोतल में, तोड़ के ऊपर का। लिमका को हमने बना दिया है ऑरेंज जूस, बर्फ डाल डाल के। लास्ट में अनिल और मैं हैं, और सामने जो दिख रहा है बर्फ वाला हिस्सा, ये शायद जो वहां से दिख रहा था वो ये। कोहरा लग गया अब तो। तो गाइज, अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट, और आंखों में धूप लग रही है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। हेलो लोग, वहाँ पे करीब 5 मिनट रुके होंगे, और फिर से ट्रैक स्टार्ट हो गया। अब सुबह से नाश्ता नहीं है तो एनर्जी भी डाउन हो गई है, बहुत हालत ख़राब हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा।
कहीं तो पहुंच गए हम, पर पता नहीं कहां पहुंचे हैं। आगे रुकी है हमारी गैंग, बिल्कुल लुल हो गए हैं अब हम। मैं अभेदा कितना लेट है हम? पाताल नचोनी। तो कैंप कितने किलोमीटर? गाइस 10 बजे से के ट्रैक स्टार्ट है और 1:30 बज गया है। भगवा पासा जाना है, बहुत दूर है अभी, 8 किलोमीटर। तो अब अभी तक तो हमने जितना ट्रैक किया था वो तिरछा तिरछा रास्ता था, अब खड़ी चढ़ाई आ गई है फिर से। अभी हम लोग बहुत देर रुके थे यहाँ पे और यहाँ से ऊपर जाना है हमने, बहुत ऊपर है, किलोमीटर कम है पर बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे हमें कोलकाता के लोग काफ़ी सारे मिल गए हैं जो ट्रैक करने आए हैं, लगभग 15-20 लोग मिल गए कोलकाता से जो। अभी हमने इस रास्ते से जाना है यहाँ होते हुए ऊपर इस साइड सामने ऊपर देखते ना नजारे ऊपर देख के डर लग गई है। इल्ले हम ऊपर पहुंच रहे तो पहुंचेंगे। हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, यहाँ पे रोहित दा, मयूर दा और बॉब दा आए थे, सामान पकड़ लगा है हमारा अनिल लागा छोड़ के। पहुंच गए हम लोग केलवा विनायक मंदिर के पास जो कि गणपति जी का मंदिर है। यहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी के चक्कर लगाए थे गणपति पापा ने, और वो सामने के लिए शेर दिख रहा है, पता नहीं कौन सा है, मोरिया। पार्वती मैया की जय, गणपति भगवान की जय। नंदी जी भी तो हैं, सब दिख रहे हैं, पूरी छाया अभी यहाँ से 20 मिनट है बोल रहे थे। सामने जो दिखाई दे रहा है ये त्रिशूल पर्वत है और इसकी जड़ में है रूपकुंड। तो गाइज यहाँ से क्लोज देख लो, और यहाँ से यहाँ पे एक राउंड मारना पड़ता है, एक चक्कर गोल, हम भी मार लेते हैं, सभी ने मारे। जय हो। जय गणपति बापा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से 1 किलोमीटर और चलना है, फिर वहाँ पे एक खाली कमरा है उसके अंदर कैंप करने वाले हैं शायद, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जो रास्ता है वो भी अभी सीधा सीधा है, चढ़ाई नहीं है, पर भाई बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैंप साइट के पास और सामने त्रिशूल पर्वत। लास्ट हैं मैं, पौंदा और रोहिदा, ये भी रोहिदा ही हैं। मौसम के हाल देख सकते हो, अगर ये रहेगा बादल रहेंगे तो फिर पाला नहीं पड़ेगा, सही रहेगा मान ले, पर अभी तो हम इस पास शायद उसके अंदर रह सकते हैं, हम पहुँच के देखते हैं। तो गाइज टेंट सेटअप कर रहे हैं, मैं तो अंदर सोऊंगा, बात कर लिया मैंने, बाहर नहीं हो पाएगा संघर्ष, और बैटरी ख़त्म होने वाली है, कल का व्लॉग भी बनाना है, परसों का भी बनाना है, और बहुत दिक्कत हो रही है, हम ठंडे से हालत ख़राब हो गई है। तो गाइज खाना बनने वाला है हमारा अभी, पर बाहर का नज़ारा देखो, ये फ्लैश बंदी को जा रहा है बता।
तो गाइस फिलहाल अभी चल रहा है हमारा खाना स्लीपिंग बैग के अंदर ही, खाना खाते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर कल सुबह स्टार्ट होगा डे 4। सो गाइस खाना खा लिया, अब करते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपको अब चौथे व्लॉग में, चौथे पार्ट में। सो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और कमेंट करके जरूर बताना ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरी तो हालत खराब हो रही है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।